जिन टाइम में लंका में राम रावणनी लड़ाई चलती थी, लंका में राम रावणनी लड़ाई चले उन टाइम में जिको रावण नो पुत्र मेघनाथ जने लक्ष्मण जी ने शक्ति मोहन मारियो, लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई थी। लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई तो भगवान रामचंद्र जी की सेना थी वो निराश हो गई। तो अब भगवान ने तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण नो मातो आपरे घोड़ा माते खोला में मिले और भगवान बिलकावा लगा, एकली लकड़ी ना जले ना अजवाला हो, भाई लक्ष्मण ने सड़गो बटे राम अकेला हो। तो भगवान बिलकावे रिया है ए लक्ष्मण धरती निकलिया जब तीन जना था हमें मु एक लोरी अटिन तो सीता जी सोराना अटिन तू भाई ट्यावे हुतो करो वो मेघनाथ हथियारा तुझे शक्ति बाण कस मारा अने मेघनाथ हथियारे एड़ो थारे खींची ने बैण बाण मारियो तो थारा शरीर ही थने शुद्धि नहीं है के मु कण काम आयो तो कटे हुतो हूं वो ही थने शुद्धि नहीं है। मेघनाथ हथियारा तुझे शक्ति बाण कस मारा सब तन की सुध बिसराई अब जाग प्यारे भाई श्री राम कहे बिलकाई। भगवान बिलकावे श्री राम कहे बिलकाई अब जाग प्यारे भाई। ये काम बुरा मैं कीना और वनवास संग तुझे लीना। भगवान मन में बिलकावे के ये लक्ष्मण मारी गलती हुई, मैं 14 साल रहा वनवास में निकली उधर थने हाथे नहीं लाई हुए तो ठीक हुई, गलती तो मारी है पर मारा अवगुण तू मन माते मत लाओ, मारा अवगुण तो चित्त माते मत लाओ और एक बार लक्ष्मण तू बैठो वे भी। ये काम बुरा मैं कीना वनवास संग तुझे लीना, मेरा अवगुण चित्त न धराई। ये लक्ष्मण मारा अवगुण तो तू चित्त मन माते मत लाओ, मेरा अवगुण चित्त न धराई अब जाग प्यारी भाई श्री राम कहे बिलकाई अब जागो प्यारी भाई। तो भगवान के एक सीता गई सुराई तुम पड़े धरण पर भाई, अटिन चीता जी सुरना अटिन भाई हूं तो ब्रो अब मैं अयोध्या में जाए पास मूडो की कर बताऊ। एक सीता गई सुराई तुम पड़े धरण पर भाई मम किम धीरज आई, मु धीर पर राखू राखू कतरी की, अरे दुख वे दुखरी कोई सीमा वेनी चाहिए। किम धीरज धराई अब जाग प्यारे भाई श्री राम के बिलकाई अब जाग प्यारे भाई। तुम मैंने घर कैसे जाऊं क्या अपना मुख दिखलाऊं, अरे लक्ष्मण थारे बिगर जाए मैं मुड़ो की कृपता हूं। सुमित्रा है माता सुमित्रा कही वे कौशल्या जी ने जिंदगी भर नहीं बोलवा दे कि थारो राम घरे आयो मारो लक्ष्मण घटी। तुम मैंने घर कैसे जाऊं क्या अपना मुख दिखलाऊं, ब्रह्मानंद उठो सुखदाई ए लक्ष्मण तेरे जैसा सुखदाई भाई नहीं मरे। ब्रह्मानंद उठो सुखदाई अब जाग प्यारे भाई श्री राम कहे बिलकाई अब जागो प्यारे भाई। उन टाइम हनुमान जी हाथ जोड़े, हनुमान जी भगवान ने कह बाबा जी मारे लायक कोई काम वे तो बताओ, मने तो हमें कोई इठा नहीं पड़े। कह रहे हनुमान कोई वेद वे तो बुलाओ, डॉक्टर वे तो बुलाओ। हनुमान जी गया लंका में, तो रावण ना जो वेद था तो रावण सिवा बीजा ने दवाई नहीं दे सके, रावण कहे तो बीजा ने दवाई करवा जाए चिकित्सा नहीं करे। वेद ने कहो रे मारे लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई जो आप पटे तक आ लो, वेद कहे के थे वो रावण ना दुश्मन और मैं हूं रावण नो वेद, मुंह बटे आवे नहीं है। तो वेद ने हुआ दे घरे, वेद रे घरों ने आगो ने हुआ दे ने जो हनुमान जी वो वेद रो घर तो जो है जी उठाइयो घर जाने हुते ही जाओ घर में है जी मकान उठाइयो जो जिते भगवान री शिवर हती ने जिते भगवान रा तंबू आती सेना जिते लावे वो मकान मेल दियो ने जगाड़िया वेद जी मैं कह रहा कि नहीं घर रा नहीं घाट राटे ठेठ लाइया रा। वेद जी कह रहा मैं तो उन्होंने कोई कोई कहने ही पड़ी। वेद जी कह देखो सर सजीवन बूटी वेन तो लक्ष्मण बैठा वे तो कह बात सजीवन बूटी मड़े कटे करे वो वेद श्री रूप करे छोटी सड़िया बने प्रा ने मसंदर नाथ जी मैंने दरखतरे माते जेके गोरखनाथ जी बैठा था झाड़े माते आवे ने जो एक शरीर रूप करीन बैठा हमें आवाज दी थी कि महात्मा महात्मा कि गोरखनाथ जी भाड़ी उठ कोई देखी तो नहीं आवाज कौन करे ऊपर देखियो कि एक सीढ़िया बैठी
છે બોલ ભાઈ. તો કે મહારાજ સ્નાન કરના હોય તો કરો, પછી પાણી પૂરું પીવું. કેટે પણ સમુદ્ર મેં કોણ કેવા સીડિયા કે કે મહારાજ સ્નાન કરના હોય તો મહાત્મા કરો, પછી મુંહ જો આ પાણી તો પૂરું પીવું. તો ગોરખનાથજી મહારાજ ને હસનો આવ્યો કે હું પહેલા પાણી પી પૂરો પછી જ હું સ્નાન કરું, કે પછી કઢાવ કરો, પાણી તો સમુદ્ર તો હું પૂરું પીવું. ગોરખનાથજી હસ્યા કે વાત કરી સીડિયા છોટી, સમુદ્ર તો હું પૂરો પીવું. હસનો આવ્યો ને કે મસંદ્રનાથજી આપણો રૂપ પ્રગટ કીધો, રૂપ પ્રગટ્યો ને કે ગુરુ મસંદ્રનાથજી ચરણ મેં ગોરખનાથજી મહારાજ હાથ જોડી કે મહારાજ ઓ કષ્ટ કી ઉઠાયો, અત્રી તકલીફ ઉઠાવી સીડિયા રૂપ કીધો ના. તો કે ગોરખનાથજી પૂછ્યું કે તને હસનો કી કરાયો, કે મને હસનો અહીં આવ્યો કે મેં કીધું આ છોટી સી સીડિયા એનો સમુદ્ર કી કર પી. તો કે મને એણ વાસ્તે કષ્ટ દેખણો પડ્યો, તું એક સીડી રૂપ મેં એને તું કે મેં જ્ઞાન હેંગ લીધો, જ્ઞાન મેં પીધો ઘોળે ને પીધો, તો જ્ઞાન તો સમુદ્ર હે ઓર તું આપી એક છોટી સી સીડિયા. ઓર તો ગોરખનાથજી મહારાજ ઉદાહરણ દીધો કણી દેવા વાળે હા. અને જીવ રે માતે અંકુશ દેવા રે વાસ્તે, આપણે જેડે અજ્ઞાની જીવારે મન રે જીવ રે માતે અંકુશ દેવા રે વાસ્તે. તો પરમાત્મા રી વિશાલ માયા હે, પણ કે નિરંજન નિરાકાર પરિપૂર્ણ પરમાત્મા પરમેશ્વર નિરાકાર, યાની જેનો આકાર નહીં તો નિરંજન, નિરંજન નો મતલબ કોઈ રંજ નહીં તો અલગ અલગ, યાની અલગ લખવા માં નહીં આવે, ન તો લીકણી માં આવે, ન વણરો કોઈ રંગ રૂપે વણે. નિરંજન નિરંજન ની ઈચ્છા, નિરંજન ની ઈચ્છા શક્તિ પેદા હોય, પહેલી કુણ હોય શક્તિ, નિરંજન ની ઈચ્છા રૂપી શક્તિ પેદા હોય. ઓર શિવ શક્તિ રે પસારો, શિવ શક્તિ મળે ને પસારો કીધો, શિવ શક્તિ મળે ને તીન દેવોને ઉત્પન્ન કરીને સંસારો પસારો. રજ સતોરતમ રજો ગુણ બ્રહ્મા, સતો ગુણ વિષ્ણુ, તમો ગુણ શિવ, તીન ગુણી તીન ગુણી માયા ઉત્પન્ન કીધી. અસંખ્ય યુવા પહેલી હોતી સુન, અસંખ્ય એની કોઈ ગિણતી નહીં જેટા પહેલા, અસંખ્ય યુગા પહેલી હોતી સુન, ન હતા પાપ, ન હતા પુણ્ય, ન હતા ધરણ, ન હતા આકાશ, ન હતા સૂરજ, ન હતા સંદા, ન હતા નવલક તારા, જ હતા દંદુકારા. દંદુકાર છે જલાકાર, જલાકાર છે ઓંકાર કમલ આપો આપ. હા દંદુકાર નો કઈ જલાકાર હુઓ, જલાકાર માહિતી ઓંકાર કમલ આપો આપ પેદા હુઓ. ઓંકાર કમલ માહિતી હે કહે કે જલ્લે માય, જલ્લે માય જેને બ્રહ્મ કટાક્ષ કહે, બ્રહ્મ કટાક્ષ યાની વિષ્ણુ રી નાભી થી એ જો કમલ નીકળ્યો, પણ કમલ ને માહિતી બ્રહ્માજી ની ઉત્પત્તિ હોય, ઓર બ્રહ્માજી ની ભરકુટી થી શિવજી ની ઉત્પત્તિ હોય. ભરકુટી કરને કઈ લલાડ મેં, બ્રહ્માજી ની લલાડ રે માહિતી શિવજી ની ઉત્પત્તિ હોય. તીન દેવોને ઉત્પન્ન કીધા, તીન દેવોને ઉત્પન્ન કરે ને આપ તો હે નિરંજન તો અલગ ઈ છે. નિરંજન યાની વે તો કોઈ રંજ મેં નહીં હે, રંજ કાંતિ વે એક થી દો વે જે રંજ વે, એક વે તો રંજી નહીં હે, એક થી દો વે જે રંજ વે. નિરંજન નો મતલબ એક હે દો નહીં હે. તો શિવ શક્તિ મળે ને પસારો કે તીન દેવારી ઉત્પત્તિ કીધી, તીન દેવે કયો હવે આપણે કઈ કરનો. તો ઉણે રસના કેડી કીધી કે તીન લોક રસિયા, આકાશ લોક, મૃત્યુ લોક ઓર પેતાળ લોક, તીન લોક ની રચના કીધી. તીન લોક ની રચના કરીને માય સૌદે ભવન બનાયા, ભવન કરને કે મકાન ને કે, તીન લોક મેં સૌદે ભવન બનાયા ઓર 21 બ્રહ્માંડ બનાયા, 21 પાછા મેં બ્રહ્માંડ બનાયા. બનાયા તો ખરા પણ વે સ્થિર નહીં રે, ડગમગ વે સ્થિર નહીં રે. તીન લોક સૌદા ભવન 21 બ્રહ્માંડ બનાયા, પણ વો સ્થિર નહીં રે, ડાવા ડોળે જબ વે થા હરાન વે ગયા, નિરાશ વે ગયા કે આપણી મહેનત હતી વા નિષ્ફળ વે ગઈ. ક્યું આપણે તીન લોક શબ્દા ભવન 21 બ્રહ્માંડ વણાયા પણ સ્થિર નહીં રહે. જરે કઈ કીધો હે ઉણારે મનથી હાર્યા કે આપણો કોમ સફળ નહીં હુઓ. જત્રે પછી આકાશવાણી હોય, આકાશવાણી કરીને કહે આપણે મૈલી આત્મારી પ્રેરણા વે વન્ને આકાશવાણી કહે. આપણી આત્મારી પ્રેરણા જો માહિતી હે વન્ને આકાશવાણી કહે. પણ અરે આત્મારી પ્રેરણા હોય, આકાશવાણી હોય કે તું શબ્દ નો આધાર લો, એ તીન લોક શબ્દા ભવને 21 બ્રહ્માંડ ને સ્થિર કરના હે, તો આપ એ શબ્દ નો ઇશારો લો, શબ્દ સારો આપણને ટીકા શકો. તો સંસાર કાળ માટે ટીક્યો શબ્દ રે માટે, સૌથી બડો કોને શબ્દ હે,
सबसे बड़ो कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति और महादेव जी सब ने शब्द सहारो लेनो पड़ियो और शब्द सिवा कोई बीजी चीज नहीं है। इन वास्ते तो कई जगह महात्मा कियोड़ो है। एक जगह हेमनाथ जी महाराज भी कियो कि संतों पर को शब्द टकसाला पर क्या अविनाथ ने प्रतीत नहीं होवे कैसे होवे निस्तारा संतों पर को शब्द टकसाला। शब्द रे आधार थी तीन लोक है, आकाश लोक मति लोक पैताल लोक, तीन लोक शब्दा भवन इक्कीस ब्रह्मंड स्थिर किदा है। स्थिर किदा तो क्या हमें वो बनाइए तो करा पर रहवा वाला सही जे। तीन लोग शब्दा भवन बनिया है तो उनमें रहवा वाला थी जे। जब चार खानी बनाई सो जी, चार खान बनाई, इंड खान जो ईडा में पैदा हुए जिसको इंड खान, जर खान यानी जर करने के मैली ने जो को पिंड लेने जन्म लिए ने मैली पड़े वह जर खान वाजे। अब मैली तो अपनी इटारी भाषा है, नाम है जर। एक है अंकुर खान, अंकुर यानी जमी माइती जो पैदा हुए अंकुर निकले, छोटा में छोटा पे अनाज रहो पौधो निकलो सह झाड़ करो पौधो निकलो अंकुर बारे निकले वह अंकुर खाने। इन खान, जर खान, अंकुर खान और उद्विज खान। उद्विज खान करने के उद्विज खान मतलब कोई जीव अपने आप पैदा हुए, अटे आपने गारो कीचड़ भेड़ो पर हुए तो मैं आप ही जीवड़ा पैदा हुए वे घंटा दो अड़ी घंटों में पैदा हुए, दो अड़ी घंटों में बनारी उम्र खत्म हुई जाए। वाह वाजे उद्विज खान। चार खानी पैदा की दी निरंजन है नारायण आव निरंजन है आपकी इच्छा रूपी शक्ति पैदा करे, शक्ति ने तीन देवों की रचना की दी, तीन देवे तीन लोक रचना की दी, चौदह भवन बनाया, चौदह भवन ने मैं चार खानी बनाई, इंड खान, जर खान, अंकुर खान, उद्विज खान, चार खानी बनावे, 84 लाख जातियां बनाई, 84 लाख जाति भी बनावे, 84 लाख जाति रे माए, देव दानव गंधर्व किन्नर पशु पंकेरु सब 84 लाख जीवा जून पैदा भी करे। और पसे कहीं कीधो है सब ने अपना अपना स्थान बताया के वो गंधर्व रे वो किन्नर रे वो देवता रे वो दानव रे वो मनुष्य रे सब ने इतने आगे जीव जंतु 84 लाख जीव बनावे ने तीन लोग शब्दा भवन है भरिया भरिया तो पदे भरे वे तो उन्होंने निर्भय वे गया। अरे जो कोई जीव पैदा किया जो कोई उन्होंने काम काज हतु ही नहीं, खेती नहीं, व्यापार नहीं, देना नहीं, लेना नहीं, पढ़ाई नहीं, गणतरी नहीं, सोट नहीं, मोट नहीं, मर्यादा नहीं, कोई नहीं, जीव पैदा किया तो भाई जीव कहीं करे निरंजन नो ध्यान करे, बीजो उन्होंने कोई काम नहीं है, निरंजन निराकार नो ध्यान करे तो जैन पासा जोत में जोत पर समावे पासा आवागमन में आवे ही नहीं। तो गणेश समेरे बाद गणेश गणी समय हुई समेरे बाद देखियो कि वे तो तीन लोग ने सब भवन खाली पड़िया। अरे कि वहां पे इतना जीव पैदा किया था 84 लाख वे जीव गया कटे। अरे कि वहां पे पैदा किया पर उन्होंने कोई पड़पसो मैं पड़पस में नहीं नौकिया जब तो निरंजन नो ध्यान की दो तो निरंजन में जाए समाया आवागमन में पास नहीं आवे। ओ कि आ तो गलती हुई। जब ब्रह्मा जी के उबारो मुंह एक उपाय करो ब्रह्मा जी महाराज चार वेद बनाया, चार वेदों ने मैं कई जो लोभ बताया कई आकाश में उड़वारा कई अमर विवारा कई जमी में बलिन बारे निकलवारा कई कई विधियों बताई चार वेद बनाया, चार वेद बनावे पाता 84 लाख जीवा जून पैदा कर वेदों रो उन्होंने ज्ञान दी दो तो वेदों में आलूता है जो कहीं वो है रुपया में 30% आलू जिया रुपया रे मैं 30% तो जीवन वेदों में आलू जिया पर 70% तो निरंजन नो ध्यान करे वेदों रे दाए ध्यान दीदू ही नहीं। थोड़ा समय रे बाद भले देखी उनके अजय तो बराबर मैं जीव आलू जिया दी है अजय तो रुपया में हो पे और मैं 30% आलू जिया 70% तो जी निरंजन नो ध्यान करे तो विष्णु भगवान के उबारो मुंह थोड़ी उपाय करूं तो विष्णु भगवान कहीं बनायो है अक्षर ने कोना मात्र ने अपने कहीं पढ़ाई ने तोल ने माप ने सोट ने मोड़ ने मर्यादा ने ये बनाई तो यूं करता 46% आलू जिया 60% तो ईश्वर रोज ध्यान करे। थोड़ा दिन भगवान के अजय बराबर जीव आलू जिया माया जाल में आलू जिया नहीं है। महादेव जी ने कह थोड़ो थे कोई उपाय करो महादेव जी कहे थे तो भाई जी ने सुख ही सुख बनाइए दुख बनाए मनक नहीं पोतरी जाए ए तो काम करे दंदरा तो आए बुटो आए कूटो करे रात रा ईश्वर ध्यान प्रो करे। महादेव जी कह बार मुंह बनाऊ महादेव जी कई बीमारियां ने काम ने क्रोध ने लोभ ने मोह ने थारो ने मारो ने महादेव जी ये बनाया यूं करता सब जीवों ने फसाया तो निरंजन है निरंजन सबों ऊपर बने निरंजन विचार की दो रे उन्होंने मैं तीन देवों ने ड्यूटी बताई थी
ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी, विष्णु ने विष्णु की ड्यूटी, शिव जी ने शिव जी की ड्यूटी बढ़ाई थी। अने तो है जो मनमानी कीधी और हैंग जीवन ने अलू जाइए अपरा मुक्ति रो मार्ग ही बंद कीधो और मोक्ष में जाओ वाला ने हैंगो नहीं माया जाल में अलू जाइए अपरा। जब तो है निरंजन निराकार संतों ने भेजिया, संत रूप रे माया संसार में भेजिया के जाओ कोई कोई जीवन ने उपदेश करे न माया जाल में फंसी उड़ा बारे निकालो। तो देवता ने ईर्षा हुई, देवता कह रहे संतों ने हटाओ निकालो, तो कह रहे ऑफिस निकालना तो ऑफिस बंद भैया वे आते ही नहीं करे उंगलियों उंगल करे। देवता कह रहे हैं संतों ने ओपी तो उन्होंने फसावा माया जाल में, ये संत है जो माया जाल थी उन्होंने बारे कड़े जरे अने कहो कि दो कि दित्य पैदा किया राक्षस, राक्षस पैदा किया जर संतों ने दुख देवा डूका, जो को संत आत्म ज्ञान रा उपदेश दिए बनाने बनारी पूरी तरह बनारी वाली वे। जब संतों ने भगावता भगावता देव दोनों वे दित्य राजे जो देवता ने हम अपरिया, देवता कह रहे वेरी लाया प्रमणा कर कुटुंब से रोष के आती कीदा कोमड़ा भी दीजे किड़ने दो। तेरे निरवेरता का उन दुखावे रे, सब तेरे निरवेरता का उन दुखावे रे, का उन दुखावे रे। की तलवानी बोल के रस अमृत पावे हो पावे हो, ऐसा है जन राम जी ने भावे, एड़ा ए जन सांवरा ने भावे। आ चितलवाणी बोल के, चितलवाणी बोल के रस अमृत पावे हो, रस अमृत ऐसा है जन राम जी ने बारे, ऐसा है जन राम जी ने बारे। कनक कामणी पर हरे नहीं आप मनावे हो मनावे हो, ऐसा है जन राम जी ने बावे ने, ऐसा है जन सांवरा ने बावे। भाई वाह, आके तो मुनि मुख हुए लिया के हरिगुण गावे, अरे कह तो मुनि मुख के हरिगुण गावे रे मना भाई। भर्म कथा संसार की रे भर्म कथा, सब दूर बहावे ओ के मन माय मिलावे, ए मन माय मिलावे,
काम क्रोध मद लोभ किए, काम किन खोज कमावे हो, किन खोज कमावे हो, एड़ाए जन राम जी ने भावे रे, एड़ाओ जन सावरा ने भावे रे। कनक कामणी पर हरे नहीं आप बनावे हो, नहीं आप बनावे हो, एड़ाए जन राम जी ने भावे, एड़ाओ जन सावरा ने भावे रे। सीन के ता माए समावे रे, आ सुंदर ऐसे संत को सुंदर डिग काल नहीं आवे हो, डिग काल नहीं आवे हो, जन राम जी ने ये ऐसा जन सावरा ने आ कनक